updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के 28वें स्थापना दिवस पर लालू यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि केंद्र सरकार कमजोर है और अगस्त तक गिर सकती है। उनके इस बयान के बाद सियासी हलचल मची हुई है। लालू यादव के बयान पर अब चिराग पासवान ने निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने और फंसा कर रखने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। लालू यादव पर किया पलटवार। राजद प्रमुख लालू यादव के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि 5 साल में उनके यानी कि लालू यादव कार्यकर्ता तैयारी नहीं कर रहे थे। परिणाम सबके सामने है, कितने सीटों पर लड़े और कितने सीटों पर जीत हासिल की ये सभी जानते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने और फंसा कर रखने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। अभी अगस्त की तारीख दी है, फिर दिसंबर और अगले 5 साल की तारीख देंगे। जिस मजबूती से पीएम के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है, अगले 5 साल यह सरकार पीएम के नेतृत्व में कई और बड़े और कड़े फैसले भी लेगी। वहीं बात करें तो नित्यानंद राय ने भी हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयान पर कहा कि लालू यादव हसीन सपने देख रहे हैं। तीसरी बार देश और बिहार की जनता ने पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर अपनी इच्छा जता दी है कि पीएम मोदी ही भारत के सच्चे सपूत हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। बिहार की जनता पीएम मोदी, नीतीश कुमार, एनडीए, बीजेपी में विश्वास करती है। वे जंगल राज स्थापित नहीं होने देना चाहती है। लालू यादव ने क्या कहा था? राष्ट्रीय जनता दल के 28वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा था कि मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से तैयार रहने की अपील करता हूं, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। दिल्ली में मोदी सरकार बहुत कमजोर है और अगस्त तक सरकार जो है वो गिर सकती है, जिसको लेकर चिराग पासवान से लेकर नित्यानंद राय तक ने लालू यादव को जमकर लताड़ लगाई है। बाकी आप लोगों क्या लगता है, क्या सच में ये सरकार गिर पाएगी या फिर लालू यादव ने बहकाने के लिए इस तरीके का बयान दिया, इस पर अपनी प्रतिक्रिया बताएं।